स्टडी माई वे 111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज हम क्लास 6 की साइंस का 15 चैप्टर करेंगे, एयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ। वी हैव लर्न द चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या होती है, हवा की जरूरत होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर, क्या आपने कभी हवा को देखा है। यू माइट नॉट हैव सीन एयर, नहीं आपने नहीं देखा होगा। बट श्योरली यू मस्ट हैव द फेल्ट इट प्रेजेंस इट सो मैनी वे, लेकिन आपने फील किया होगा कि हवा हमारे चारों तरफ है बहुत सारे तरीकों से। यू नोटिस इट फैन द लीव्स ऑफ द ट्री रसल्स, आपने देखा है कि जो पत्तियाँ होती है पेड़ों की वो हिल रही होती है। और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन द स्वे, और जो भी कपड़े टंगे होते हैं वो सुखाने के लिए तो भी झूल रहे होते हैं। स्वे का मतलब झूलना। पेजेस ऑफ द ओपन द बुक बिगेन द फल्टरिंग, जो पन्ने होते हैं उसके बुक के वो फड़फड़ाते रहते हैं। फैन द फैन इज स्विच ऑन, जब क्या होती है हम पंखा चलाते हैं। द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट, और जो भी हवा चल रही होती है तो उसी से ही संभव होता है कि हम पतंग को उड़ा सकते हैं। डू यू रिम्बर एक्टिविटीज 3 इन द चैप्टर 5, आपने एक्टिविटी 3 याद होगी आपको जो आपने चैप्टर 5 में की थी। वैन यू सेपरेटेड द सैंड एंड द सो डस्ट बाई विनोइंग, जब आपने सैंड और बुरादे को अलग किया था विनोइंग के द्वारा। विनोइंग इज़ द मोर इफेक्टिव इन द मूविंग एयर, जो विनोइंग होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है जब हवा चल रही होती है। यू मे हैव द नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स द विंड ब्लो एट द वेरी हाई स्पीड, आपने देखा है कि जो मतलब तूफान आता है तो हवा काफ़ी तेज चल रही होती है। इट मे हैव द अपरूट ट्री, और वो क्या करती है पेड़ों को उखाड़ती है। एंड द ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, और जो छतों को फाड़ कर ले जाती है। हैव यू एवर द प्लेड विद द फिरकी, क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है। तो इसमें ये चीज ये दिया गया, तो इसमें फिरकी दी है 15.1। डिफरेंट टाइप ऑफ फिरकी, अलग तरह की फिरकी है, कुछ इस टाइप की, कुछ टाइप की, कुछ टाइप की। एक्टिविटीज 1, लेट अस मेक द फिरकी ऑफ आर ओन, चलो हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फ्लोइंग द इंस्ट्रक्शन सो द 15.2, हमें इंस्ट्रक्शन देखना है 15.2 में। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन अपन एरिया, तो आपको क्या करना है कि उसकी स्टिक को लेना है और उसको क्या करना है कि उसको मतलब खुले एरिया में उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या घटित होगा। तो डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी रोटेट करेगी, हाँ फिरकी रोटेट करेगी। व्हाट मेक ए फिरकी रोटेट, वो कैसे करेगी फिरकी रोटेट। द मूविंग एयर इज एंड इट, जब हवा भरी होती है तो उसके कारण ही वो मूव करती है। हैव यू सीन ए वेदर कोक, क्या आपने वेदर कोक को देखा है। इट्स सो द डायरेक्शन इन द विच द एयर इज द मूविंग एट द प्लेस, और ये उस तरफ घूम जाती है जहाँ पर हवा चल रही होती है। तो ये है आपको, देखो। इज एयर द प्रेजेंट एनीवेयर अराउंड अस, क्या जो हवा है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो अब हम ये देखते हैं, अब हमें क्या करना है इसके लिए। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए। व्हाट डू यू हैव इन इट एंड नथिंग, ट्राई द फ्लोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट, आप देखोगे क्या जब आपने मुट्ठी को बंद किया क्या उसके अंदर कुछ है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। ट्राई द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट, चलो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ढूंढते हैं इसका आंसर। तो इसमें एक्टिविटीज़ 2 है, टेक एम्प्टी ओपन बोतल, आपको क्या कहना है कि ओपन बोतल खाली लेनी है। इट इज़ द रियली एम्प्टी एंड दैट डज इट हैव द समथिंग इनसाइड, क्या वो बिल्कुल ही क्या है खाली है या उसके अंदर कुछ है। टर्न इट अपसाइड डाउन, आपको उसको उल्टा करके देखना है। एंड इट द समथिंग इनसाइड इट, क्या अब भी उसके अंदर है कुछ ही नहीं, तो हाँ उसके अंदर क्या है, हवा है। अब हमें क्या देखना है, एक्सपेरिमेंट विद द एम्प्टी बोतल, अब इसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट देखना है। तो नाउ डिप द ओपन द माउथ ऑफ द बोतल इन टू द बकेट फिल विद द वाटर एज द सोन इज द फिगर 15.4, आपको क्या करना है कि जो वो खाली बोतल है उसका मुंह जब उसको उल्टा किया था तो उसको बकेट में डुबोना है जिसमें पानी भरा हुआ है। ऑब्जर्व द बोतल, आप ऑब्जर्व बोतल को देखिए। डज द वाटर एंटर द बोतल, इस वाले में क्या इसमें पानी एंटर करेगा, तो नहीं करेगा। तो नाउ टिल बोतल
स्लाइटली, आपको क्या करना है उस बॉटल को हल्का सा तिरछा करना है। डज द वाटर नाउ द एंटर बॉटल, अब बताइए क्या उसमें पानी जाएगा। हाँ, डू यू सी द बबल्स कमिंग आउट इन द बॉटल एंड द हियर एनी द बबल साउंड, आप देखोगे कि जब आपने उसको टिल किया, उसको तिरछा किया, तो उसमें से कुछ बबल बाहर की तरफ आएंगे और आप उसका साउंड भी सुन सकते हैं। कैन यू नाउ द गैस की वाट वाज द इन बॉटल, आप अनुमान लगा सकते हैं उसके अंदर क्या, तो उसके अंदर क्या था, हवा थी और बबल्स के रूप में वो हवा क्या करी, वो बाहर निकली। यस यस यू राइट, इट इज़ इन एयर, आप ठीक हो कि उसके अंदर हवा थी। दैट इज़ वॉज द प्रेजेंट इन बोटल, क्योंकि वो बोतल में प्रेजेंट थी। द बोटल वॉज नोट द एम्प्टी एट ऑल, बोतल बिल्कुल खाली नहीं थी। द फैक्ट इट वॉज द फिल विद द कम्प्लीट विद द एयर इवन वैन द यू आर द टर्न इट द अपसाइड डाउन, आप वो कहते हैं पूरी तरह से हवा से भरी थी जब आपने उसको उल्टा किया था। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट द वाटर डज नॉट एंटर इन द बोटल, इसलिए जो हवा है, पानी है, उसके अंदर एंटर नहीं किया। वैन इट द पुश इट इन्वर्टेड पोजिशन, जब आपने उसको उल्टी फॉर्म में क्या किया, उसको धक्का दिया या पुश किया। इट देयर वॉज द नो स्पेस द एयर दोज का एक्सकैप, तो उसके पास कोई मतलब खाली स्थान नहीं बचा था। वैन द बोतल वॉज टिल्ड, जब आपने उस बोतल को तिरछा किया, तो एयर आज द एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, दो एयर को एक जो एयर हवा थी उसको एक रास्ता मिल गया ताकि वो बाहर निकल सके, और किसके रूप में, बबल्स के रूप में आया है। एंड द वाटर फिल अप द एम्प्टी द स्पेस व्हाट द एयर द ऑक्यूपाइड, अब पानी ने वो स्थान घेर लिया जहाँ पर हवा ने अपना स्थान बनाया हुआ था। अब दिस एक्टिविटीज सोज दैट द एयर द ऑक्यूपाइड स्पेस, इस एक्टिविटीज के दौरान में बताया गया, दिखाया गया है कि जो हवा ने स्थान घेर रखा था, इट फिल ऑल द स्पेस इन बोतल, वो बोतल के सभी स्पेस में या सभी जो भी उसका एरिया था सब में थी। इट द प्रेजेंट एनी वेयर अराउंड अस, इसलिए जो हवा है हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट होती है। एयर हैज़ नो कलर एंड द वन कैन द सीन थ्रू इट, हवा का कोई भी कलर नहीं होता और लेकिन हम उसके आसपास देख सकते हैं। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट, वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पर देखा जा सकता है। आर अर्थ इन द सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ द एयर, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक पतली सी परत की हवा से घिरी है। दिस एयर एक्सटेंडेड अप टू द मैनी किलोमीटर, जो ये लेयर्स है वो कुछ किलोमीटर तक फैली होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारा पृथ्वी का तल होता है। इट इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर, इसको एटमोसफेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। एज वी मूव द हायर इन द एटमोसफेयर, जब हम मूव करते हैं या जाते हैं इस एटमोसफेयर की ऊंचाई पर, द एयर गेट द रेयर, हवा क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसमें है, इसमें दिया गया है, जो द माउंटेनियर्स द कैरी द ऑक्सीजन द सिलेंडर विद देम, वो जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतरोही होते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेते हैं। नाउ कैन यू द थिंक माउंटेनियर्स कैरी द ऑक्सीजन, अब आप बता सकते हो, आप क्या आप सोच सकते हो कि क्यों वो गैस के सिलेंडर को, ऑक्सीजन के सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। जब क्लाइंबिंग द हायर माउंटेन, जब वो पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, व्हाट इज एरिया मेड अप ऑफ, जो हवा है वो किन किन चीज़ों से बनी होती है। अंटिल 13th सेंचुरी पीपल थॉट दैट द एयर वॉज द जस्ट वन सब्सटेंस, 18वीं शताब्दी तक लोग ये सोचते थे कि हवा केवल एक ही तत्व से बनी होती है। एक्सपेरिमेंट हैव द प्रूफ दैट इट इज़ द रियली नॉट सो, लेकिन जब प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये सिद्ध किया गया कि ये वास्तविक तो नहीं है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ द मैनी गैसेज, कि हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। वॉट इज़ काइंड ऑफ द मिक्सचर इज इट, किस प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर, अब हम क्या करेंगे, जो बड़े जितने तत्व होते हैं इस मिक्सचर में, उसका अध्ययन करेंगे वन बाई वन, एक एक करके। सबसे पहले इसमें वाटर वेपर, वी हैव द लर्न इन द अर्लियर द एयर कंटेन्स द वाटर वेपर, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हवा है, हवा में वाटर वेपर्स होता है। वी हैव द सा कि वैन एयर द कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद ए कूल सरफेस, जब हवा कूल सरफेस या कूल तत्व के ठंडे सरफेस के संपर्क में आती है, द
तो इट कंडेंसेस, वो क्या होती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है एंड द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर अपीयर ऑन द कोल्ड सरफेस, और जो हमारी जो छोटी छोटी जो बूंदें वो हमें दिखाई देती है जहाँ पर ठंडा सरफेस होता है या तल होता है। द प्रेजेंसेस ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर, और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारी प्राकृतिक में वाटर के चक्र के लिए। तो इसमें जो एक हमने पहले एक्टिविटीज देखी थी कि ये ग्लास था उसमें बहुत सारे क्या थे, पाइसिस थे, तो जब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि जो बहुत सारे मतलब इसकी इसकी जो बाउंड्रीज पे क्या होगी छोटी छोटी बूंदें वाइट कलर की हमें दिखाई दी, तो वही हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। फिर हमारा सेकंड है में ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंसेस ऑफ द टीचर फिक्स द टू स्मॉल द कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ओन ए टेबल, आपको एक सेम लेंथ की अपने टीचर के ऑब्जर्वेशन में सेम लेंथ की दो कैंडल को टेबल पर रखना है उस टाइप से। लाइट द बोथ ऑफ द कैंडल, दोनों ही कैंडल को जलाना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विद द इन्वर्टेड द ग्लास इन द टंबरल, आपको क्या करना है जो एक कैंडल है उसको एक ग्लास के बर्तन से ढक देना है। ओजर फोर द कैंडल कैन फुली, अब आपको क्या करना है उन दोनों कैंडल को काफ़ी सावधानीपूर्वक से उसका निरीक्षण करना है। अब हमें बताना है कि डू द फोर द कैंडल कंटिन्यूस टू बर्न, क्या आप बता सकते हो कि जो दोनों कैंडल है क्या वो लगातार चलती रहेगी या गोबर या बुझ जाएगी। तो यू मस्ट हैव द ओजर दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टंबरल कोर द एक्सटिंग्यूश आफ्टर द सम टाइम, तो जो कवर से ढका हुई थी जो कैंडल थी वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगी। फेयर एज द अदर द कैंडल कंटिन्यूस बर्निंग, लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो जो लगातार जलती रहेगी, जैसे इसने इस कैंडल को इसे टंबलर से कटा तो ये बुझ जाएगी और लगातार ये क्या करती है जलती रहेगी। वाट कैन बी द रीज़न ऑफ दिस, इसका क्या कारण है, थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में सोच सकते हो। इट सीम दैट द कैंडल गोट एक्सटिंग्यूश्ड, तो इसका मतलब होता है कि कैंडल बुझ जाएगी बिकॉज क्योंकि जो कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टंबलर, जो भी कंपोनेंट्स है जो भी तत्व है हवा का वो उस ग्लास टंबलर के उसके जो अंदर है विच सपोर्टिंग द बर्निंग इन द लिमिटेड, वो उसको केवल जलने में थोड़ी ही सपोर्ट करेगी जितने उसके अंदर वो एयर होगी जलने वाले सब्सटेंसेस के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट द यूज ऑफ बाय द बर्निंग द कैंडल, और ज़्यादातर जो तत्व होते हैं वो कैंडल के जलने से वो क्या हो जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। हाइवर द अदर द कैंडल इन द गेटिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द वाटर, जो दूसरी कैंडल है जिसपे ग्लास टंबरल नहीं है वो लगातार जलती रहेगी। दिस कंपोनेंट ऑफ द एयर विच द सपोर्टिंग द बर्न इज नोन एज ऑक्सीजन, जो भी कंपोनेंट्स होता है जो हवा को जो मतलब इस कैंडल को जलने में हेल्पफुल होता है वो है हमारी ऑक्सीजन। फिर हमारे इसमें नाइट्रोजन, इन द एक्टिविटीज द थ्री डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर इज द स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोटल एवन द आफ्टर द कैंडल ब्लो ऑफ, अब आप देखोगे कि जो अब आपने देखा कि ग्लास के जो अंदर थी वो कैसे जब वो जलती रही जो कैंडल का, तो तब तक तो वो जलती रही और जब वो ख़त्म होगी तो क्या आप बता सकते हो क्या उस हवा में हमारी जो नाइट्रोजन के तत्व भी तो हैं, तो अब इससे क्या होगा इंडिकेट प्रेजेंसी ऑफ द कंपोनेंट की, इसका मतलब दूसरे तत्व भी हैं ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, तो विच डज नॉट सपोर्टिंग बनना, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे जलने में हेल्पफुल नहीं होता। दिस मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्टिंग बर्निंग द कैंडल इन नाइट्रोजन, हमारी जो हवा का सबसे ज़्यादा पार्ट्स कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या ये होता है हमारा 78%, 21% हमारे क्या होते हैं ऑक्सीजन होते हैं, और बाकी के जो दूसरे गैसेस वो होते हैं, इसका मतलब जो नाइट्रोजन होता है बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता। फिर हमारे इसमें आया कार्बन डाइऑक्साइड, अब इट इज़ द क्लोज रूम, अब जो बंद कमरा है तो इफ द देयर इज द सम मेटेरियल दैट इज द बर्निंग, अब यदि कुछ मेटल कुछ तत्व तो जल रहा है बंद कमरे में, यू मे हैव द फेल्ट ए सफोकेशन, तो आपको किस क्या अनुभव होगा, आपको घुटन फील होगी। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज मेड द एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा हो जाएगी रूम में एकत्र हो जाएगी एज द बर्निंग कंटिन्यूस, जब हम उसमें कोई सब्सटेंस बंद कमरे में जलता रहेगा लगातार। कार्बन डाइऑक्साइड मेड अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे बहुत ही छोटा तत्व होता है हमारी हवा में,
तो इसलिए अब जैसे मैंने 78 बताया आपको नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो कितना गारंटी, तो 99% और 2% होता है जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेन्स और दूसरी प्रकार की गैसें भी होती है। प्लांट एनिमल द कंज्यूम अराउंड दस, जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन जब वो मतलब अपने रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम वो सेम ही, जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं तो सेम ही वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन को लेती है सांस के द्वारा और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड द एनिमल मैटर ऑल्सो द कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन द बर्निंग, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो भी लगातार क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन का, एंड द प्रोड्यूस मेनली द कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को एंड द फ्यू अदर दूसरे प्रकार की गैसेस को। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई द लीव्स एंड द डिस्कार्डेड रिमेन, इसलिए कहा जाता है कि आपको जो सूखी पत्ते होती है और जो मटेरियल मतलब जो क्रॉप होती है, फसलें होती है, उसका जो मटेरियल होता है जैसे फूसा वगैरह, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। विच इज़ पोल्यूटेड आर द सराउंडिंग, क्योंकि वो हमारे जो आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। इट स्टैंड स्मोक, इसमें द बर्निंग ऑफ द फिर ऑल्सो द प्रोड्यूस द स्मोक, जो भी ईंधन जलता है तो उससे क्या धुआं निकलते हैं, सम कंटेन द फ्यू गैसेज, इसमें कुछ गैसें निकलती है एंड द फाइन डस्ट पार्टिकल एंड अफन आर्मफुल, और जो डस्ट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो अब हमेशा ही आर्मफुल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी द लॉन्ग द चिमनी इन द फैक्ट्री, आपने देखा होगा कि लंबी लंबी चिमनी लगी होती है फैक्ट्री से, दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड द गैसेस अवे फ्रॉम आर द नोसेज, ताकि वो हमारी जो नोज से जो हार्मफुल है नुकसानदायक धुआं वो दूर रहे। बट ब्रिंग्स इट द क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो भी पक्षी आते हैं उड़ते हुए, तो उसके लिए क्या होता है, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, कि जो डस्ट है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, वे हमेशा एयर में मिले होते हैं। अब एक्टिविटीज 4 है, फाइंड ए सनी रूम इन द योर स्कूल, आप ढूंढो एक अपने स्कूल में एक ऐसे स्थान जहाँ पे सन आ रहा हो, या अपने घर में क्लोज ऑल द डोर एंड द विंडोज विद द कर्टेन पुल डाउन टू मेक इट, आपको क्या करना है कि अपने सभी दरवाजों को बंद करना है, खिड़की को बंद करना है, और जो भी पर्दे होते हैं उनको गिरा देने हैं। टू मेक रूम द डार्क, अपने रूम को डार्क बनाने के लिए, तो जैसे इसने किया है, ये दरवाजा है, इसने पूरे रूम को डार्क किया, तो इसमें एक छोटा सा कैक स्लिट है, एक छेद है, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, वो सिर्फ सूर्य की रोशनी प्रकाशित हो रही है या उसमें एंटर हो रही है। अब देखो इसमें जो ये लाइट आ रही है, तो उसमें छोटे छोटे आपको क्या हुआ, नाचते हुए आपको कुछ पार्टिकल दिखाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स। फिर रूम इज द डार्क, नाउ ओपन द डोर और द विंडो एंड द फेसिंग द सन, आपको क्या करना है कि वो दरवाज़ा चूज करना है जो, या खोलना है जो जिसका फेस सन की तरफ है, जस्ट लिटिल एंड द सच इज द वे एंड द अलाउ द सनलाइट एंटर इन द रूम ओनली थ्रू द स्लिट, आपको थोड़ा सा ही खोलना है ताकि वो जो प्रकाश है सूर्य सनलाइट वो अंदर आ सके, या कोई भी छोटा स्लिट मतलब कुछ छेद होता है उसके द्वारा पास हो। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग द बीम ऑफ द सनलाइट, जो भी एक जैसे छेद है ये बना हुआ है इसमें दिया, तो आपको देखना है कि इससे वो लाइट पास हो। डू यू सी द सम द टाइनी द शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम द सनलाइट, अब आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो चमकते हुए जो पार्टिकल्स हैं वो उस बीम से सन की लाइट के द्वारा आ रहे हैं। व्हाट आर दिस पार्टिकल, क्या किस तरह के पार्टिकल है, किस तरह के कण हैं। ड्यूरिंग द विंटर्स यू माइट हैव द ऑब्जर्व द सिमिलर बीम ऑफ द सनलाइट, आपने देखा है कि जो सर्दियों के समय में और जो इन बीम से जो भी सनलाइट निकलती है वो फिल्टर का काम करती है। थ्रू द ट्री इन द डस्ट पार्टिकल अपियर इन द डांस द मेयरली अराउंड, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं पेड़ों के बीच में जो भी निकलते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो नाच रहे हो हमारे चारों तरफ। जिस सोच दैट एयर ऑल्सो द कंटेन डस्ट पार्टिकल, अब हमें दिखाई दे रहा है कि हवा में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में वो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देते हैं। जो हमारे नोज़ के अंदर फाइन एयर्स होते हैं
और म्यूकस होता है, म्यूकस के लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं तो उसको रोकने में हमारी सहायता करता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमें हमारे सांस लेने के टाइम में वो हमारे अंदर नहीं जाता। तो इस तरह से जैसे आप ये देख सकते हो, ये है पुलिसमैन रेगुलरली इन द ट्रैफिक इज द क्लाउडेड क्रॉसिंग अप ऑन द वेयर द मास्क। इसलिए कहते हैं कि जो पुलिसमैन है वो क्यों मतलब ट्रैफिक के टाइम क्यों मतलब भीड़ भाड़ होती है तो क्यों मास्क पहन कर रहता है। लेकिन आजकल तो हम भी मास्क वगैरह से चल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी धूल मिट्टी जा रही है तो ताकि वो हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ना चली जाए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डू यू कॉल द ब्रिंग द स्क्लोडेड वी ओवर द पेरेंट्स। क्या आपको याद है कि किस तरह से आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता आप पर चिल्लाते थे व्हेन यू द ब्रीथ थ्रू द योर माउथ, जब आप सांस लेते थे मुंह के द्वारा। इफ़ यू डू दैट, यदि आप ऐसा करते हो तो हार्मफुल द डस्ट पार्टिकल भी एंटर योर बॉडी, तो जो भी हानिकारक जो भी धूल मिट्टी के जो भी तत्व होते हैं वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं। वी हैव द कंक्लूड, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एयर तक कंटेन द सम गैसेस, की जो हवा है कुछ गैसेस रखती है, वाटर वेपर्स रखता है और डस्ट पार्टिकल भी रखता है। द गैसेस इन द एयर आर द मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेनी अदर द गैसेस। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी हवा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन और छोटे 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 बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी प्रकार की गैसें है। हावेवर देयर मे बी द सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द एयर। कभी कभी क्या होता है कि जो इसमें तत्व होते हैं, इसके जो बने होते हैं, वो अलग अलग प्लेस पे आपको अलग अलग आप दिखाई देते हैं। जैसे आपको ये इसमें दिखाई दे है, ये कंपोजिशन है जो बनी होती है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा पार्ट है। फिर हमने बताया कि 78% है हमारा नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेपर्स होते हैं हमारा 1%। तो इसमें यही बताया गया है। फिर इसमें दिया है कि वी सीन द एयर द कंटेन द मोस्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट्स होता है हमारी एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। अब 99% दोनों को मिला दें तो हम 78% और 21% तो क्या होगा, 99% होगा और प्लस 1% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे तरह की हमारे गैसें हैं। हाउ डज द ऑक्सीजन बिकम द अवेलेबल टू द एनिमल एंड द प्लांट लिविंग इन द वॉटर एंड द सोल। अब हमने ये तो देख लिया, आप ये बताइए कि जो भी हम मतलब पानी में रहते हैं, जो भी एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका किस तरह से ऑक्सीजन मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं। टेक द सम वाटर इन द ग्लास। आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है ग्लास में या मेटल के कंटेनर में, हीट इट स्लोली ऑन द टाइपर स्टैंड। और आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे गर्म करना है। टाइपर स्टैंड आपको लैब वगैरह में मिल जाएगा। वेल बिफोर द वाटर बिगनिंग इन द बॉयल, आपको जो पानी उबलने से पहले लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। आपको क्या करना है, उसके अंदर देखना है। देखो ये दिए ना, इसमें थोड़े छोटे क्या करिए, बबल्स निकल रहे हैं। ऑफ द कंटेनर डू यू सी द टाइनी द बबल्स ऑन द साइड। आप हमने देखा है कि इसमें क्या छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर, और इसी तरीके जो बबल्स होते हैं यही हवा में आते हैं, जो डिसोल्व जो पानी में घुली होती हैं। सेम जैसे हमने बोतल देते उसको कन्वर्ट्स किया था, जब हमने उसको टेढ़ा किया तो उसमें भी जो हवा प्रजेंस थी बोतल में वो बार बबल्स के रूप में आई। तो सेम इसमें भी यही है कि वाटर में क्या होता है, ऑलरेडी ऑक्सीजन घुली होती है और वही ऑक्सीजन क्या होती है, बबल्स के रूप में हमको इसमें जब हमने हीट किया पानी को तो उसमें दिखाई दी। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसोल्व, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें घुली होती है। इट एक्सेप्ट एज यू कंटिन्यू, यदि आप उसको लगातार ही गर्म करते रहेंगे तो वाटर इट सेल्फ द टर्न इन टू द वेपर एंड द फाइनली बिगन टू बॉयल। आप जैसे जैसे उसको गर्म करते रहेंगे तो पानी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अब वो पानी किसके रूप में चला जाएगा, वेपर्स के रूप में चला जाएगा। फिर वी लर्न द चैप्टर 8-9 द एनिमल लिविंग इन द वाटर यूज टू डिसोल्व द ऑक्सीजन इन द वाटर। चैप्टर 9 में हमने देखा था कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट इन द लिव इन द सोइल आल्सो द नीड द ऑक्सीजन टू रेस्पायर रिजल्टिंग। इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव रहते हैं पानी में या मिट्टी में, उन सबको ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फ्रॉम द रेस्पिरेशन, वो किस तरह से हवा से
क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जब उनको उसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटीज़ देखनी है। एक्टिविटीज़ 6 है, टेक ए लंप ऑफ द ड्राई सोयल। अपने पानी में देख लिया, पानी में डिजोल्व है। अब देखो कि जो सोयल में रहते हैं एनिमल्स रहते हैं प्लांट, उनको किस तरह से ऑक्सीजन मिलती है जब वो रेस्पिरेशन करता है। तो इसके लिए क्या है कि एक लंप ऑफ द ड्राई सोयल हमें क्या करना है, एक ढेर लेना है जो सूखी मिट्टी होते हैं इन तक बीकर में, मतलब थोड़ी सी मिट्टी लेनी है उसका, और एक ग्लास ये वाटर लेना है। एड द वाटर टू इट, हमें उसमें पानी मिला देना है। एंड द नोट की वाट हैपन, आप देखो कि क्या घटित होता है। डू यू सी द बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोयल, क्या आपको मिट्टी से निकलते बबल्स दिखाई देंगे। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द सोयल, और ये जो बबल्स हैं आपको इंडिकेट करेंगे कि सोयल में भी क्या है, हमारी ऑक्सीजन है। देखो आप देखोगे ना, तो इसमें भी आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे जब आप उस पर पानी करेंगे, पानी डालेंगे। When the water is the pour on the lump of the soil, जब आप मिट्टी के ढेर पर पानी डालोगे तो it displaces the air, जो हवा है वो अपना स्थान बदल देगी। And the scene in the form bubbles, और आपको किस में दिखाई देगी, बबल्स के रूप में दिखाई देगी। The organism that in the live inside the soil, जो भी organism होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे सांस लेते हैं। एंड द प्लांट रूट द रेस्पायरिंग द एयर, और जो हवा से क्या करते हैं, रूट भी उसमें से सांस लेती है। ए लोट ऑफ द ब्लोज, जो लोट ऑफ ब्लोज है बिल होते हैं। एंड द होल आर द फॉर्म इन द डीप द सोइल बाय द एनिमल लिविंग इन द सोइल, जो ब्लोज होते हैं, जो बिल होते हैं, जो मिट्टी में रहने वाले एनिमल्स बना लेते हैं उसमें, जैसे हमारे रैट्स हो गया या हमारे स्नैक्स हो गया। दिस ब्लोज आल्सो द मेक द स्पेस द अवेलेबल फॉर द एयर टू मूव इन, और उसमें क्या हो जाए, जो ब्लोज होता है उसमें जो हवा अपना स्थान घेरे होती है, जब वो जैसे मूविंग करती है वो अपने स्थान करती है उस बिल में। एंड आउट इन द सोयल, और मिट्टी के बाहर। हाउएवर व्हेन इट इज़ द रेन हैवली, जब काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है तो वाटर फिल अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर ऑन द सोयल, मतलब इन द सोयल। अब जो जैसे ब्लोज हैं, तो ये बिल हैं, तो इसमें क्या होता है कि एयर होती है अपना पूरा स्थान घेरे रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होती है, इसमें वाटर भर जाते हैं, तो वहाँ पे हवा के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए देखना कि जब मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो मिट्टी के बाहर निकल जाते हैं जब बारिश होती है काफ़ी, तो उनको क्या बोलते हैं, वहाँ पे उस हवा में ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो ऑक्सीजन लेने के लिए उन बिलों से बाहर आते हैं। इन द सिचुएशन एनिमल इन द लिविंग इन द सोयल हैव टू कम आउट द रेस्पिरेशन, इसीलिए जो जीव होते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है तो बाहर आ जाते हैं। कुड दिस बी द रीज़न कि वाई द अर्थ फॉर्म कम आउट इन द सोयल, अब आपको ये कारण पता चलेगा किस तरह से जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, ओनली ड्यूरिंग द हैवी रेन, जब बारिश होती है। तो हैव यू एवर द वंडर कि वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमोसफेयर डस नॉट गेट द यूज थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द कंज्यूमिंग इट, आपको ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा कि हवा में जो इतनी सारी ऑक्सीजन है किस तरह से, सभी को तो जरूरत रहता है, तो वो मतलब क्या वो सभी तरह की कंज्यूम कर लेते हैं। वो इज़ द रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, अब जब इतनी ऑक्सीजन है और इतने सारे जीव ऑक्सीजन लेते हैं, क्या वो सब ख़त्म कर देंगे, और कौन ऐसा होता है कि उस दोबारा ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर में लाता है वो किस तरह से फिल होती है, क्योंकि इस तरह से तो सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम आगे देखेंगे, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस, अब हमें पता चले इतने सारे जीव है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, अब ऐसे ख़त्म तो वो किस तरह से दोबारा रिप्लेस हो, किस तरह से वापसी होगी, किस तरह से बैलेंस बनेगा, तो हम देखते हैं। तो इन द चैप्टर 7 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस, आपने देखा है चैप्टर 7 की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में। इन दिस द प्रोसेस प्लांट मेक देयर द ओन द फूड एंड द ऑक्सीजन इज द प्रोड्यूस अलोंग विद इट, क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्लांट आल्सो तो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो जब सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, बट दे प्रोड्यूस द मोर ऑफ इट दैट दे कंज्यूम, लेकिन वो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेता है उससे ज़्यादा है वो फोटोसिंथेसिस में वो रिलीज करते हैं, एटमोसफेयर को देते हैं। दैट इज़ वाई ही सेड द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और इसीलिए जो प्लांट होते हैं ऑक्सीजन की प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने आसपास का जो एटमोसफेयर है वो ग्रीन करके रखना चाहिए, ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए, ताकि वो जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बैलेंस बन सके।
इट इज़ ऑब्वियस द एनिमल्स कैन नॉट द लाइफ विदाउट द प्लांट. अब हम ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो जानवर होते हैं वो बिना पेड़ पौधे के जीवित नहीं रह सकते. द पैलेस ऑफ द ऑक्सीजन, द बैलेंस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमोसफेयर द मेंटेन थ्रू द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट एनिमल. और इसीलिए क्या होता है, इसी तरह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एटमोसफेयर में जो उसका बैलेंस है वो रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही संभव होता है. तो दिस इज सो दैट ए इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स. इसलिए जो इंटरडिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हमारे पौधे और जानवर. वी कैन द आल्सो द अप्रिशिएट कि हाउ द इम्पोर्टेंट इज द लाइफ ऑन द अर्थ. अब आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि किस तरह से महत्वपूर्ण है हवा हमारे जीवन को, हमारे धरती पर जीवन को जीने के लिए. आर दे एन द अदर यूज ऑफ द एयर. क्या आप दूसरे भी यूज बता सकते हो हवा के. हैव यू द हियर अबाउट द विंड मिल. क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है. तो ये इस तरह की एक विंड मिल है. द विंड मेक इन द विंड मिल द रोटेट. आपने हवा को, जो हवा होती है तो उससे क्या होती है, जो विंड मिल रोटेट करती है, घूमती है. द विंड मिल इज़ द यूज टू ड्रो द वाटर फ्रॉम द ट्यूबलेट्स. और जो मतलब ये विंड मिल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ट्यूबवेल से पानी को निकालने में हेल्पफुल होती है. टू रन इन द फ्लोर मिल, और जो आटे की मिल होती है उसको चलाने में सहायता करते हैं. विंड मिल आर ऑल्सो द यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आजकल क्या होता है, जो विंड मिल से क्या होते हैं, बिजली को भी बनाया जाता है. एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेलिंग याचिस और ग्लाइडर पैरासूट्स एंड एरोप्लेन्स. और जो हवा होती है तो वो हमें, जो हमारी जो नाव होती है उसको चलने में हेल्प करती है. ग्लाइडर होते हैं जो बिना उसके ईंधन के चलने वाले होते, जो हवा से चलते हैं. पैरासूट्स होते हैं, एरोप्लेन, सब में हमें हवा की जरूरत होती है. बर्ड्स एंड द बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वाटर. जो भी बर्ड्स होते हैं या बैट्स होते हैं, चमगादड़ होती है, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो उड़ भी केवल हवा की वजह से ही होता है. एयर आल्सो द हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड. जो हवा होती है, हवा की सहायता से ही जो बीज होते हैं वो फैलते हैं. एंड द पोलून ऑफ द फ्लावर इन द फ्लावर द सेवरल प्लांट्स. और जो मतलब सुगंध होती है, जो फूलों की सुगंध होती है, उसका पराग तो चारों को फैलता है हवा की वजह से. एयर द प्ले एंड इम्पोर्टेंट द रोल इन द वाटर साइकिल. और जो हवा होती है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे वाटर साइकिल में. तो ये चैप्टर क्लोज हो चुका है. आप मेरे चैनल पे जाके इस मैथ की सीरीज दे सकते हैं. ज्योग्राफी और मैंने हिस्ट्री कम्प्लीट करा चुकी हैं. आप इसका मैंने नेक्स्ट करके, मैं इसको सिक्स क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, एक 16 चैप्टर रह रहा है उसका गैबिस वाला, फिर मैं 7th की स्टार्ट करूँगी. आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं. यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.